कलयुग में एक बताएं घटना, वैसे तो किसी के कोई भी संकट हो वो दूर हो जाते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन के भी कोई संकट हो तो वो भी दूर हो जाते हैं। एक बार एक सेठ जी की पत्नी मेले में खो गई। क्या हुआ? मेले में पत्नी खो गई। अब सेठ जी परेशान, क्यों? जब तक साथ में थी तब तक तो कहते थे कि बड़े परेशान करती हो, और जब खो गई तब पता चला कि अरे ये तो बड़े काम करती थी। ऐसी भैया इन लोगों का है, जब तक माताओं आप उनके साथ में हो तो आप ये कहते हैं कि दिन भर घर में बैठी रहती हैं और टीवी का रिमोट लिए रहती हैं और कुछ नहीं करती हैं। जरा दो चार दिन के लिए छुट्टी पे चले जाना, फिर इनको पता चलेगा कि कपड़े भी धुलेंगे, बर्तन भी मांजेंगे, खाना भी बनाएंगे, नाश्ता भी बनाएंगे, झाड़ू भी और पोंछा भी सब लगाएंगे, तब पता चलेगा कि तुम्हारी क्या अहमियत थी। पर ऐसा करना मत, नहीं तो पीछे वाले लोग हमसे लड़ाई कर लेंगे को पंडित जी तुमने अच्छी कथा करवाई और हमारे तो काम पे लग गए हम। तो उन पत्नी खो गई मेला में। अब सेठ जी परेशान, किसी पंडित जी ने बताया कि राम जी के मंदिर में जाओ, सोने के थाल में लड्डू ले जाओ, बर्फी ले जाओ, हार ले जाओ, 500 का लिफाफा ले जाओ, कपड़े ले जाओ, राम जी कृपा करेंगे और तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। गए, थाली सजाई, प्रसाद लेकर राम जी के मंदिर में गए। बगल में हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर के पंडित जी ने देखा कि राम जी के मंदिर के मंदिर में बड़ा थाल सोने का है, 500 का लिफाफा है, लड्डू की बर्फी है, लड्डू हैं, बड़ा सुंदर हार है, कपड़े हैं। तो हनुमान जी वाले मंदिर के पंडित जी बोले, क्या बोले? अरे ये थाल, लड्डू, ये लिफाफा यहाँ लाओ। क्यों? बोले कि सेठ जी, वो बोला कि अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरे नीको लगे न बिना घरे नीको। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नीको लगे न बिना घर नीको। घर अच्छा नहीं लगता है घरनी नहीं तो। भैया गृहणी गृह मिथ्या हूँ, ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं। ईंट पत्थर रोड़ी बदरपुर टाइल्स पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं। घर में जो देवी है उसको घर कहते हैं। वो कहता है अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नीको लगे न बिना घर नीको। तो हनुमान जी वाले मंदिर के पंडित जी बोले कि कपिराज से प्रीत विनीत करो और फिर से मुख देख सको पत्नी को। अगर अपनी पत्नी का मुख देखना है तो हनुमान जी से प्रेम कर लो। बोले क्यों? राम जी तो हनुमान जी के मालिक हैं, ये मिलवा देंगे हमको हमारी पत्नी से। तो पंडित जी बोले कि सेठ जी, तेरी पत्नी को मिलाएंगे कहाँ जो पतो न लगाए सके अपनी को। बोली हनुमान जी महाराज की। बोले राम जी की अपनी पत्नी खो गई थी, वो अपना पता ना लगा पाए, हनुमान जी ने पता लगाया, इसलिए तुम हनुमान जी के मंदिर में आ जाओ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। तो आज शनिवार है तो 2 मिनट हनुमान जी के संकीर्तन करें कि सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान।